नमस्कार दोस्तों, देश विदेश के लोग हिंदुस्तान सऊदी अरब कंट्री में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कुछ दिन वहीं पर मेहनत करते हैं और आखिर में फिर उन्हें हिंदुस्तान में ही गुजर बसर करना पड़ता है। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने तरक्की भी की है और शोहरत भी कमाई है, और ऐसी शोहरत जिन्हें आप सोशल मीडिया पर श्रीमान शादाब जकाती के नाम से जानते हैं। मेहनत और ईमानदारी के कायल हो जा। कहते हैं कि जब मेहनत का पहिया दौड़ता है तो मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेता है। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे खुशी की बात है कि मुझे सभी वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, खासकर मेरे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने बहुत प्यारे कमेंट किए। ये पैसे मेरे YouTube की तरफ से आए पहली बार। जैसा तो मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका फल मुझे अब नजर आ रहा है कि लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दोस्त, आज हम इस वीडियो में शादाब जकाती जी के जीवन की जर्नी की बात करने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और ये शौक कैसे लगा, क्या रीजन रहा वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन्होंने किस तरह से वीडियो बनाना शुरू किया। तो दोस्तों, शादाब जकाती जी के अनुसार उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस सवाल पर जवाब में यह बोला कि मैं सऊदी दुबई कमाई करने के लिए गया था, लेकिन जब वहां की परिस्थिति देखा तो मैं बहुत मायूस हो गया। उन्होंने कहा कि इस मायूसी से मुझे प्रेरणा मिली और मैं उसी वक्त अपनी पहली वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब मैं पहली बार गया तो एक मुकेश नाम के लड़के को घर के एक कोने में रोता हुआ देख रहा था, तो मैंने उस लड़के से बोला कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। फिर उस लड़के ने मुझे अपनी समस्या बताई कि भाई साहब, यह लोग अरबी भाषा बोलते हैं, मुझे अरबी भाषा समझ में नहीं आती, मैं अपनी हिंदी भाषा बोलता हूँ, इनकी भाषा समझने में मुझे तकलीफ होती है, इस कारण से मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई, आखिर क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि लोगों का कुछ फायदा हो जाए। दोस्त, आपको बता दें, शादाब जकाती जी अपनी सबसे पहली वीडियो सन 2014 में टिकटॉक पर शूट किया था। हालांकि 6 महीने तक उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट पे काम किया। दोस्तों, शादाब जकाती के अनुसार उन्होंने बताया कि वीडियो बनाने का मकसद यह था कि मुझे जो अरबी आती थी, मैं इसी का वीडियो के माध्यम से लोगों तक उस अरबी भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी में जानकारी देता था। दोस्तों, यह बताते हैं कि इनको वीडियो बनाने के चक्कर में काफी तकलीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने यह वीडियो बनाने का काम छोड़ा नहीं। तो दोस्त, काफी परेशानियों का सामना करते हुए शादाब जकाती जी वीडियो बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले शादाब जकाती लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे। आपको बता दें कि पहले वे कॉमेडी नहीं बनाते। फिलहाल इस समय शादाब जकाती के नाम से उनका एक चैनल भी चलता है जिस पर लगभग 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, इनके यूट्यूब चैनल की अर्निंग के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। चैनल पर लगभग 17 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ज्यादातर शॉर्ट कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। दोस्त, इन्होंने अपना चैनल की ओपनिंग 24 अक्टूबर 2017 को किया है। दोस्तों, इंटरनेट पे जो भी जानकारियां हैं शादाब जकाती जी के बारे में, उस माध्यम से मुझे यहीं तक मिला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।